छत्तीसगढ़ से जहां पर रेल यात्रियों की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही। कई ट्रेनें अपने समय से काफी देरी से चल रही हैं तो कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर सेक्शन के तहत आने वाले मदरिया रेलवे स्टेशन से तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री NI और NI का काम किया जाएगा। इसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन कैंसिल रहेंगी। हजारों ट्रेन छत्तीसगढ़ से रद्द हुई हैं। कई हजारों यात्री ट्रेनों के परिचालन के अचानक बंद होने से परेशान हुए हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रायपुर में हम मौजूद हैं, जहां पास जब जानकारी लेने जाया जाए तो ये पता चलता है कि पिछला आंकड़ा, पिछले साल कितने ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, कितने ट्रेनें लेट चली हैं, उसका आंकड़ा ये दे नहीं सकते। अगर आंकड़ों की ही बात करें तो 1 जनवरी से 31 मई तक का आंकड़ा हमारे पास जरूर अभी है, क्योंकि 250 मेल एक्सप्रेस और 1024 पैसेंजर ट्रेनें रद्द हुई हैं। ये सिर्फ 1 जनवरी से 31 मई का आंकड़ा है। पिछले अगर 3 साल, 4 साल या 5 साल की बातें करें तो ना जाने हजारों, कितने हजारों ट्रेनें यहां से रद्द हुई हैं। रायपुर रेलवे मंडल की अगर मैं बात करूं तो 200 से ज्यादा ट्रेनें यहां से एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए चलती हैं, समूचे भारत के लिए चलती है। लेकिन जो रेल सुविधाओं की बात की जाती है लगातार, उन सुविधाओं का आखिर चिंता कौन करेगा, उन सुविधाओं को आखिर पूरा कौन करेगा? रेलवे अधिकारी डाटा नहीं देते। रेलवे अधिकारी इसलिए डाटा नहीं देते कि उनकी जो कमी है, उनकी जो अंदरूनी कमी है कि आखिर इससे नुकसान क्या हो रहा है, इससे उन आदमी का नुकसान हो रहा है, उन यात्रियों का नुकसान हो रहा है जो समय असमय एक जगह से दूसरे जगह सफर करते हैं, किसकी क्या परेशानी है। रेलवे तो यूं अचानक बगैर बताए ही ट्रेनें कैंसिल कर दे रहा है। एक बार फिर से ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और लगातार ये समस्या अब लगातार इसे दोहराया जा रहा है। ट्रेनों की लेट लतीफी और रद्द होने के कारण यात्रियों को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए रिपोर्ट। लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है। आप देखिए, हमारा ट्रेन सुबह 11 बजे की थी और हम लोग बाहर से आए हुए हैं और अभी तक का उसका ये नहीं है, आप दिखा रहा है वो करीब 1 बजे तक का, तो कितने बड़ा परेशानी होना पड़ रहा है तो बताइए ना, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, बताइए आप। 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक जो लगभग 1 से 1.5 हज़ार जो पैसेंजर ट्रेन है वो रद्द हुए हैं और ट्रेन लगातार लेट हो रहे हैं, कितना तकलीफ हो रहा है इसमें आम जनता, जो आने जाने का, जिनका डेली का काम कहीं अर्जेंट में आना जाना हो रहा है, परेशानी, काफ़ी परेशानी हो रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी यहाँ पे है, इस सरकार की इस कमी को दूर करना चाहिए। दूसरी बात, आज मुंबई जाने के लिए ट्रेन के लिए मैं बात पूछताछ में केंद्र में गया, उन्होंने 11:30 बजे बताया, फिर 12 बजे बताया, मतलब उनको भी खुद नहीं पता है कितने बजे ट्रेन आएगी, ठीक है, एग्जैक्टली कोई टाइम ही नहीं उनके पास। और ऐसे में तो पब्लिक, आम आदमी इस गर्मी महीने में, इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी में आदमी परेशान हो रहा है, 6-6 घंटे रेलवे स्टेशन में बैठ रहा है। और मैं तो इस कहीं ना कहीं सरकार की इसमें बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है मेरे सामने, और इस चीज़ के लिए मैं सभी सरकारों की आलोचना करता हूँ, ये सारी समस्याएं को दूर करना चाहिए और टाइमिंग सही होना चाहिए, ट्रेन का आने जाने का टाइमिंग सही होना चाहिए। 10-5 मिनट समझ में आता है आधा घंटा, लेकिन 5-5, 4-4 घंटे में मतलब आदमी पूरा टाइम, फैमिली परिवार में आदमी परेशान हो रहा है बैठ के सुबह से। लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है, आज भी बहुत सारी ट्रेन कैंसिल है, कितना तकलीफ? बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी तक मेरे यहाँ से फैमिली भी आ रही है, अभी कार्यक्रम में परसों, लेकिन देखिए अभी तक ट्रेन पहुँचा नहीं है, जिसके कारण बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रबाब को बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सी ट्रेन कब तक के लिए रद्द है। चंदिया रोड से चंदिया रोड चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन कल से 20 जून तक रद्द है। 19 जून तक कटनी से कटनी चिरमिरी पैसेंजर और बिलासपुर से बिलासपुर रीवा पैसेंजर एक्सप्रेस कैंसिल है। 20 जून तक बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। बिलासपुर से बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस 19 जून तक, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस और जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस 20 जून तक रद्द रहेगी। 21 जून तक अंबिकापुर से अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस और 20 जून तक नागपुर शहडोल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा 21 जून तक शहडोल से शहडोल नागपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का सितम भी जारी है। सड़क पर चल रहे लोगों से लेकर रेलवे और बस स्टेशन तक यात्री गर्मी की मार झेल रहे हैं।
यात्रियों की इस परेशानी को देखते हुए रायपुर रेलवे स्टेशन पर पानी के फव्वारे लगाए गए। हवा के साथ पानी की बूंदों से यात्रियों को काफी राहत तो मिल ही रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन जो गर्मी है वो अभी तक कम नहीं हुई है। अब गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा समस्या उन्हें होती है जो ट्रेनों से बसों से सफ़र करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हम इस समय रायपुर रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ गर्मी के लिए ये जो फव्वारे हैं वो लगाए गए हैं। इनसे कहीं ना कहीं जो लोगों को गर्मी से राहत तो मिल ही रही है, मगर दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं हम उनसे बात करेंगे किस तरह से भैया ये गर्मी का समय है, ये फव्वारे लगाएँ कितनी मदद मिल रही है इससे। इसमें हमको पता है भैया, हम उड़ीसा का आदमी है, इधर फव्वारे लगाए ये। अच्छा अच्छा ठीक है ना, पंखा से अच्छा है ये लोग, अच्छा है, लगता है हमको। हाँ तो जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे दादी, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है ये आप लोगों के लिए लगाया गया है पानी का फव्वारा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बाहर फिर जाएंगे, फिर लू ताप चल रहा है, इधर पानी मिल रहा है आपको ठंडा ठंडा यहाँ। बहुत अच्छा है, ये सुविधा बहुत अच्छी है। तो जिस तरह से लगातार जो लोगों को ये पानी के फव्वारे से जो सुविधा मिल रही है, जिस तरह से उन्हें इस गर्मी भरे मौसम में जो ठंडक ट्रेन से उतरने के बाद मिल रही है, कहीं ना कहीं इनसे जो लोग हैं वो काफी खुश हैं। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज़ रायपुर।